सत्संग, सत्संग ऐसी जगह, यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता, हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान, वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है, वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचते हैं यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है, कोई कैसे भी कर्म करता है ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है, वो सबके अंदर होते हुए भी जहर नहीं होता और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हां, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए अल्लाह गौर खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है, आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई बाकी दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं, नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ, आप घंटा दो घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं, कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड, तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते बांगे वक्त फर्ज और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा दो घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है, और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता, यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ
कैंसर जैसी भयानक बीमारी और थर्ड स्टेज पे हो और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं, सुमरण करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं, जीवन के हर रास्ते पे। बस गंदगी छोड़ दे दिए, बुराइयां छोड़ दें, आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना। हैरानी की बात, कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हो और आपको मालूम ही ना हो, तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे, हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फला कमरे में, इतने फुट में, फला जगह, फला जाओ, फला अलमारी खोलो, फला जगह दबे हैं उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे, दिहाड़ी तो क्या गाड़ियों पे, जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत पीर फकीर ये बताते हैं, आत्मबल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बहार छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे? कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे, अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी यहां, धन दौलत छोड़ के गए। अरे अरे उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहते नहीं 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 नहीं, उठाओ फावड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंदी वगैरह उठाओ, उठाओ फला जगह चलते हैं, चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से, वहां से, यहां से, दो तीन जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते दो चार दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहेगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है, अरे 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 इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे, जैसे उसके दोस्त की बात पे दो चार बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया, ऐसे ये दुनिया है। संतों की बात पे कहीं यकीन करते हैं, कहीं नहीं करते। कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं,
तो कई मान लेते हैं और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा कुल्हाड़ी गेंती ले लो, जैसे वो हाथों से चलती है जीभ से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सतवचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस सौदा, सौ सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था है और रहेगा, ये गारंटेड है, गारंटेड सच्चा संत पीर फकीर। तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बददुआ नहीं करता, उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो, और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है उस पर तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। पर कोई वचन माने तो, जब तक वचन नहीं मानते मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो वचन तो मानना पड़ेगा, और कोई टॉनिक नहीं है जो घोल के पानी में आपको चढ़ा दे। मन मर्जी ना चलो, कहीं तो मन को बरजो, संत पीर फकीर गुरु ने चलो कैसे भी आदमी की बात मान ली, एक इच्छा पूरी कर दी, फिर उसकी इच्छाओं का मकड़ जाल, ये नहीं मेरे को, वो नहीं, फला फला नहीं फला, और आखिर में नरक 100%। और कोई तरीका नहीं, कहीं तो मानो, कहीं तो मन से लड़ो, कहीं तो रोको मन जालिम को कि भाई कहीं तो संतों की बात मान ले, बहुत मनमता चल ली है, नहीं मानना तो जाओ नरकों में। भाई संत कोई बद्दुआ नहीं देते, आपके कर्मों का फल है। संत ये भी गुस्से नहीं होते कि मेरी बात क्यों नहीं मानता, संतों की कोई बात होती ही नहीं, वो तो वो बात कहते हैं जो भगवान जी इशारा करते हैं। जैसी मैं आवा खसम की बाणी, तेसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। संतों का तो कोई लेना देना ही नहीं होता, हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं भाई, फकीर हैं आपके, कोई ऐसा नहीं। हमारा फर्ज है जैसा मालिक बुलवाएगा 100%। अभी तक बिजी थे, कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे थे, ये कर लिया वो कर लिया, और कोई सोचा नहीं वहां जाके क्या बोलना है। ये आपकी भावनाएं इधर आ रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, राम जाने क्या करवाता है। तो कहीं आदमी को बाहर जाना चाहिए, ज्यादा मन के हथियों मजबूर होके नरक यहां वहां दोनों जहां में नसीब में मिलती है, और फिर रोने का वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए इतना अहंकार भी अच्छा नहीं, इतना घमंड भी अच्छा नहीं कि आदमी उस अहंकार में सारा कुछ ही गवा बैठे। अहंकार ना करूं, किस बात का अहंकार। साइंस आज बहुत तरक्की पे, पर रावण जितनी तरक्की अभी तक नहीं हुई है, कहीं आप सोचो चरम सीमा पे। ऐसी तरक्कियां बहुत बार हो चुकी हैं समाज में, इस दुनिया में, इस धरती पे। रावण सफल क्लोन कहता था, उसके 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सारे तो क्लोन थे। 1,00,000 बच्चे बनाए थे उसने क्लोन, और सफल इतना था कि उन क्लोनों के आगे 1,25,000 बच्चे थे। इतना जबरदस्त था वो साइंटिस्ट। जब चाहता था बरसात, सूर्य की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, और एटम परमाणु तो उसके कंधे पे रहता था। आज है किसी के कंधे पे? हो किसी के तो सारी दुनिया खत्म कब की हुई होती, सोच के देखो। जिन देशों के पास है वो ही फूले नहीं समाते, दूसरों को पैर की जुत्ती समझ रहे हैं। और सुनो और सोचो, अगर आदमी के कंधे पे लटक रहा होता तो आदमी क्या करता, मानता है कि नहीं छोड़ू।
कर देता कबाड़ा, शुक्र है इतनी तरक्की नहीं हुई। पर रावण के पास ये था, रामायण को पढ़ो उसमें आता है कि वो जब तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस से भी ज्यादा आग लग जाती थी और तीर तरकस से निकालता था, यूं सिद्ध किया हुआ था। पर राम जी के पास ऐसे तीर थे कि वो छोड़ते थे चारों तरफ बर्फ बन जाती थी, तो दोनों टकराते थे, वातावरण सामान्य रहता था। हमें लगता नहीं कि परमाणु एटम की अभी तक कोई तोड़ मिली होगी, हो सकता मिल गई हो, लेकिन तब थी, सब कुछ था। देखिए कितनी जहाज वगैरह सब थे, उनको बात अलग उड़न कटोला या अलग अलग नाम दिए जाते थे, लेकिन सब कुछ था। तो कहीं आप ऐसे सोचो, कम्युनिकेशन तो जबरदस्त था उनका, ये लैपटॉप आपके और जो नेट है वो सब था तब भी। वो कहां से बैठे बैठे पल में दूसरों से बात करके सारी बात समझा देते थे, इतना रावण के पास तंत्र मंत्र सारा डंगा था ज्ञान का। तो इतने इतराओ ना, जब उसकी चरम सीमा से आगे विज्ञान गई तो सब कुछ खात्मा हो गया। तो भाई हम विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, विज्ञान तरक्की करे पर मानवता भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए, तो कोई डर नहीं। और जब खात्मे की तरफ तरक्की करेगी तो डर ही डर है। तो वहीं पे फिर आते हैं कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, वरना अहंकार को ऐसी मार पड़ती है वो तो क्या उसकी पुश्ते तक बुरा हाल हो जाता है, झेलती है उन चीजों को। तो इंसान को बताना संतों का काम होता है, सत्संग में आना आपका काम, बताना फकीर का काम, और अमल करना आपका काम। सुन के अमल कर लोगे, क्या अमल करना है? राम का नाम सुबह शाम कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम जरूर जाप किया करो। व्यवहार के सच्चे बनो, ठगी बेईमानी चोरी क्या कर लोगे? कितना पैसा पड़ा है विदेशों में और उनके कपड़े वही कुर्ता पैजामा दिखने में सादे, क्या कर रहे हैं वो? खाने हैं क्या? और हवा सी निकल गई तो वो गए सारे के सारे के, और यहां रोटी के लिए लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप क्या कर लोगे ज्यादा ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करके क्या करोगे बताओ? बच्चों के पास गाड़ियां हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, और क्या करवा दो उनको? सोने में मरना चाहते हो क्या? एक बार कहते हैं महादेव जी की किसी ने तपस्या की, और इतनी तपस्या की महादेव जी प्रसन्न हो गए, कहेंगे बोल बेटा क्या चाहिए? कहता जी मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। कहते तथास्तु। बड़ा खुश हुआ, चेक करके देखा, बेड के हाथ लगाए सोना बन गया, अलमारी के हाथ लगाए सोना। कहते हो कमाल हो गई, वाह महादेव जी। खट जा बेटा, रुक तो सही, अभी रोटी आगे। कहता भूख लगी रोटी लाओ, कौर तोड़ी सोना, पानी उठाया सोना, न प्यासा मरे भूखा मरे, बेटी को हाथ लगा बेटी सोना, सोने की मूर्ति बन के खड़ी होगी। चिल्लाए पीटे माथा, ये क्या करूं, हाथ ही ना लगाए, डरता किसी को, दूर हो जो दूर हो जो दूर हो जो दूर हो जो, लगा बड़ा सोना बनाता नहीं। फिर पीटा पछताया, फिर भक्ति इबादत की, फिर महादेव जी प्रकट हुए, कहता जी जरूरत ही नहीं, जैसा था मैं तो तेरा ही भक्त काफी हूं। तो आज ऐसे लगे हुए हैं लोग, बेटी भी बन जाए सोने की, बेटा भी बन जाए सोने का, और खुद का बोल गया पटाखा, डॉक्टर कहते हार्ट अटैक हो गया। वही चार लकड़ियां मिलेंगी, सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, और वो सारा पैसा जो तू दो नंबर का छुपा छुपा के रखता गया खू खाते में, क्योंकि नंबर तो तेरे पास है, दिमाग में फिट है। सो भाई किस लिए, किस लिए पागल बने हुए हो, किस लिए? जरूरत के लिए चाहिए, हम नहीं कहते कमाओ ना, बनाओ जितना मर्जी, लेकिन पागल ना बनो, जीने के लिए कमाओ। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे, और जिंदगी दुखों से लबरेज हो जाएगी। आप पछताओगे, पछताने का टाइम नहीं मिलेगा। किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से। तो संत पीर फकीर तो बताते हैं, मानना ना मानना आदमी की मर्जी है, आखिर भूख ये कहां मिटेगी जाकर? और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं, इधर लगा दूं उधर लगा दूं, यहां फंसा दूं वहां फंसा दूं, और एक दिन खुद फंस के बैठ जाता है, कहते ले निकालो मुझे। तो भाई बुरे कर्म कोई भी है वो आपको फंसाएंगे, कोई बात नहीं। एक कहावत है पंजाबी में, नच ले कुद ले टप ले, सिर तप पंजाली हेठ देने ही पैने,
वो कहते हैं ना बछड़ा होता है, पहले बैलों से खेती होती थी, आज भी कहीं कहीं बेचारे गरीब किसान करते हैं, तो वो बैल जब बछड़ा होता है तो बड़े हुंकारे मार, ये कर दूं वो कर दूं फला कर दूं, उछलता कूदता है, और बाद में यहां मारते नाक में नथ और फिर हल जोत लेते हैं, चलता नहीं, और पावरफुल बैल के साथ उसको जोड़ लेते हैं, मजबूत गले में बांध देते नथ से बांध के, बेचारा इधर उधर निकलने की कोशिश करता, डंडे पड़ते चमड़े की छांट चटाक ऐसे चलता है, फिर सीधा कुछ देर में ही हाड़ी निकल आता है, बड़ा नाक तपता था। कोई बात नहीं बेटा, कर ले जो करना है तेरा दिल करे, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, और हो सकता है कईयों का नजदीक खड़ा हो, कि फिर नचना टपना तो क्या, हंसना कूदना तो क्या, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करते हैं, डराते नहीं आपको, बुरे कर्म ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे, कि भाई कर्म जैसे करोगे वैसा भरोगे जरूर। इसलिए कहीं तो फकीर की मान लो, वो आपका बुरा नहीं करता, अच्छा करता है, अच्छा देखता है, बुरा तो मतलब ही नहीं है, संत तो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात, हाँ ये अलग बात है लोग संत का भेष धारण करके कुछ भी करते फिरे, वो उसे संत नहीं कहा जा सकता, संत जो होता है वो बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात, लोग उसके लिए बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते हैं, सौ सौ कुछ करते रहते हैं, ये वो फला धींकड़ अपनी बेड़ी में बट्टे, किसी का कुछ नहीं जाता। तो भाई सत्संग सुना करो, कलयुग का समय है, सुमरण घंटा सुबह शाम नहीं तो कम से कम आधा घंटा सुबह शाम तो जरूर किया करो, 24 घंटे में एक घंटा क्या आप अपनी सेहत के लिए परिवार के लिए नहीं लगा सकते, और गारंटी है इस घंटे का फल आपको कई गुना बढ़ चढ़ के जरूर मिलेगा। कोई पैसा नहीं देना, भगवान नहीं लेता पैसा पूछा किसी से, कोई चढ़ावा नहीं लेता, अरे कोई सोचे कि गुरु जी पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, हम तो यहां नौकर बन के रहते हैं, इस आश्रम का मालिक जानी जान है सदगुरु, अपना कपड़ा भी अपनी गाड़ी भी अगर कोई होती है तो उसको भी अपनी कमाई से कोई होता है कि कमाई से ही लेनी है, और सब जानते हैं जो सद्ब्रह्मचारी हैं या सेवादार हैं उनको मालूम है दिन रात मेहनत करके ये आश्रम के लिए सब कुछ, क्योंकि इसके नौकर हैं अपने सदगुरु मौला के, और उसके नौकर बन के दोनों जहान के राजा से भी आगे हैं, इतनी खुशी वो मालिक देता है, सदगुरु देता है, उसके तो नौकर हैं ही हैं, आप सत्संगी मालिक की आंखों के तारे हैं, दिल के टुकड़े हैं, आपका भी अगर कोई नौकर है हम तो उसके भी नौकर हैं, हमें कोई मान बड़ाई नहीं है, ऊंचा इसलिए बैठना पड़ता है, ये मनोविज्ञान है, हमने विज्ञान पढ़ी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म महाविज्ञान है, ये मनोविज्ञान कहता है कि बोलने वाला अगर ना दिखे तो सुनने वाले शोर मचाते रहते जब तक वो दिखता नहीं, कैसा है किधर कहाँ कहाँ, यूं यूं करते रहते तो पीछे वाले धक्का देते हैं, ये बैठ मुझे भी देखना है, इसलिए ये थोड़ा ऊंचा बैठना पड़ता है। और धर्मानुसार कहें तो धर्मों में ये लिखा है सभी में, कलयुग में सत्संग में आके जो बैठ जाएंगे उस दरमियान वो देवी देवताओं से भी बढ़के होंगे, मालिक के प्यारे होंगे उस दरमियान, तो ऐसे मालिक के प्यारों के हमें दर्शन हो जाएं ढंग से, इसलिए भी ऊंचे बैठते हैं। तो भाई और कोई हमें मान बड़ाई का फाना नहीं है, कोई बड़ापन बड़प्पन जो भी कोई गाता है या बोलता है हमारे लिए, हम हजार गुना उससे नीचे होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं, तो वो मालिक है सबके अंदर बैठा, क्योंकि हमने कई बार रोक रोक के देख लिया, भाई मत बोला करो बेटा, हमें नहीं पसंद, आप गुरु से खुशी चाहते हो, हमें ये चीज़ें नहीं पसंद हैं कि भगवान अल्लाह राम, हाँ आप कहते हो गुरु जी आप में दिख रहा है, ये ठीक है, वो तो सब में दिख रहा है, हमें आप में दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो भाई हमें कोई मान बड़ाई पसंद नहीं, कहीं चाहते मक्खन बाज लगा गुरु जी आप तो भगवान, ना भाई भगवान तो तू है, तेरे अंदर दिख रहा है हमें तो, हाँ ये अलग बात है तू कैसा भगवान है वो दुनिया जानती है, शैतान भगवान है या दयालु भगवान है वो तो सारे जानते ही हैं, जैसे तेरे कर्म है वैसा तू दिख रहा है, मतलब भगवान शैतान या दयाल नहीं होता, वो तो हमेशा दयाल है, पर तेरे को लोग कह सकते हैं कि तू कैसा है, तो इसलिए बुरे कर्म ना किया करो, मान जाओ पीर फकीर की, कहीं तो आदमी को मानना चाहिए, कि ऐसा ना हो कोई ऐसा किनारा देख लो मानने की नौबत ही ना रहे, बाकी मर्जी आपकी भाई, हमें कोई डराना थोड़ी ना है,
आप तो मालिक के प्यारे हैं, आप बहुत बड़े हैं, मालिक ने आपको दिमाग दिया है, खुद मुख्तियार हैं, इतने अच्छे नेक आप लोग हैं, हम थोड़े आपको बुरा कहेंगे। ये तो अब मजबूरी है, सत्संग में बोलना पड़ता है कि समाज में जो बुराइयां हैं वो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां हैं। क्या पता कोई हाथ जोड़े बैठा और मन का इतना हावी हुआ पड़ा हो, पता नहीं क्या क्या चलता हो उसके अंदर। सुमन के बिना नहीं रुकेगा, सुमन तो करना ही होगा अगर मन को रोकना है। सेवा करते रहो और साथ में सुमन करो तो मन शैतान रुकेगा, वरना ये चलता रहता है, चलता रहता है टाइम की सुई की तरह। तो प्यारी सत्संग जीओ, हमारा फर्ज प्रार्थना करना, अर्ज करना, आगे प्रवान करना ना करना आपकी मर्जी है।